यू आर वॉचिंग मैथ्स एट योर फिंगर टिप्स। आज हम देखेंगे वीडियो नंबर सेकेंड। इसके पहले मैंने पार्ट वन वीडियो का ऑलरेडी बना रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें आज की क्लियर होंगी। ये है आपका सेकेंड पार्ट। ओके, दिस इज द पार्ट नंबर सेकेंड। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप थ्री, ट्रेन एन ऑब्जेक्ट। देखिए, ट्रेन एन ऑब्जेक्ट की दो कंडीशन होती हैं, कंडीशन तो नहीं कहेंगे, दो टाइप होते हैं इसके। सबसे पहले पोल, मैन या कोई ट्री हो या कोई टेलीग्राफ पोस्ट हो। सेकंड क्या होता है, ब्रिज हो सकता है, टनल हो सकती है और कोई प्लेटफॉर्म टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर कोई फॉर एग्जांपल एक ट्रेन है, सपोज दिस इज द ट्रेन, ठीक है, ये बस लग रही है लेकिन ट्रेन, इसको आप मानिए ट्रेन हो गई है, ठीक है, और यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ पे एक मान लो ट्री है, ये ट्री है, ठीक है, ट्री है, कोई पोल है। तो जब इसको ये ट्रेन, एल लेंथ की ट्रेन है, इसको क्रॉस करेगी तो उस जगह पे उसकी डिस्टेंस जो है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ट्रेन, वो लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगी। तो इस यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डी और एल दोनों सेम है, डिस्टेंस जो भी ट्रेवल करेगी इस ट्री के सामने से, तो वो हो जाएगा एल अपॉन टी। ओके, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है ब्रिज और टनल, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूँ। ब्रिज एंड टनल, ब्रिज एंड टनल ऑफ ए प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है। ये कंसेप्ट क्या है ये भी समझ लेते हैं। सपोज एक कोई ब्रिज है या फिर कोई प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म मान लेते हैं इसको या ब्रिज, इसकी लेंथ है एल एल वन, लेट से इसकी लेंथ है एल वन। ओके, और हमारे पास एक ट्रेन है, यहाँ पे मैं ट्रेन बना ली, लेट से दिस इज द ट्रेन, ठीक है, इसकी लेंथ है एल टू। जब ये इसको क्रॉस करेगी, यहां से क्रॉस करेगी, तो ये ट्रेन यहां पे आ जाएगी, देखो जब ये ट्रेन क्रॉस तभी करेगी ना जब इसका पीछे का एंड यहां से पूरा कंप्लीट क्रॉस हो जाएगा, पीछे का पार्ट जो है इसका कंप्लीट क्रॉस हो जाएगा, तो टोटल लेंथ यहां पे क्या बनेगी, टोटल लेंथ या टोटल डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा एल वन प्लस एल टू, ठीक है। तो यहां से स्पीड क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां पे डिस्टेंस क्या है एल वन प्लस एल टू, तो यहां पे क्या हो जाएगा स्पीड एल वन प्लस एल टू। मीन्स क्या है, आप मेरा मतलब क्या कहने का है, दोनों की हम लेंथ को प्लस कर देते हैं, ब्रिज या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, यहाँ पे स्पीड आपकी सम होके आती है, ठीक है, लेंथ जो होती है सम होके आती है, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन आपका है अ ट्रेन, मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। आ ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर
किलोमीटर पर आवर इन व्हाट टाइम इट विल पास अ ब्रिज ऑफ 100 मीटर लॉन्ग। एक ट्रेन है वो एक ब्रिज को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। कोई ब्रिज है उसको ये क्रॉस कर रही है, ब्रिज हो गया। ये ट्रेन की लेंथ हो गई L1, ये ब्रिज की लेंथ हो गई L2, ठीक है। इसको ये इससे करके क्रॉस कर रही है। तो ट्रेन की लेंथ कितनी दी गई यहाँ पे क्वेश्चन में, ट्रेन की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 300 मीटर और लेंथ ऑफ ब्रिज कितनी है 100 मीटर। टोटल लेंथ कितनी हो गई LT प्लस LB, दिस इज 400 मीटर, ठीक है। तो हमें निकाल स्पीड के यहाँ पे कितनी दी गई है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कैसे हुआ, अगर आपने इसके वाला पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिए, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। मैंने बताया था किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो ये कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड, ओके। तो यहां से हम स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पर डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है 400, टाइम कितना है 15, ठीक है। नाउ दिस इज द स्पीड, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितना आएगा ये 400 अपॉन, इसको आप कट करेंगे तो 53 जा, मैं डिवाइड कर देता हूं डायरेक्ट, तो ये आपका आएगा 26.66 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बहुत धीरे ट्रेन चल रही है। खैर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अ ट्रेन कवर्स 10 किलोमीटर इन 10 मिनट इफ इट टेक्स 6 सेकेंड टू पास अ टेलीग्राफ पोस्ट द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज, हमें लेंथ ऑफ ट्रेन बतानी है। तो गिवन डाटा लिख लेते हैं, सबसे पहले ट्रेन की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर, स्पीड नहीं दी गई, लेंथ दी गई है, मिनट टाइम दिया गया, तो स्पीड हम निकाल देते हैं, स्पीड हम निकाल देंगे, कितना आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 10 मिनट है इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व होके, नाउ दिस इज 50/3। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया, ठीक है, 10 से 10 कट तो ये 50/3 आ जाएगा, ठीक है। मीटर पर सेकेंड। नाउ हमें लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे टेलीग्राफ पोस्ट को ये क्रॉस कर रही है तो क्या होगा, डिस्टेंस जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन में, तो L/T हो गया।
तो एल हमें निकालना है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एल इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम। ओके, तो स्पीड कितना आया 50/3, टाइम कितना आया, यहाँ पे दिया गया टाइम 6, तो ये कितना आ गया आंसर 50 × 2, दिस इज 100 मीटर। तो ट्रेन की लेंथ कितनी हो गई, 100 मीटर लेंथ हो गई। ठीक है, आई होप ये क्लियर आपको हो गया होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, आई थिंक दिस इज, हाँ 3, फाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। अ ट्रेन मूव्स, अ ट्रेन मूव्स पास्ट अ मैन एंड अ ब्रिज। ये थोड़ी सी मिक्स प्रॉब्लम है, इसके पहले जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए थे, ये वाला क्वेश्चन और ये, दोनों मिक्स क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, टफ लगेगा, बट अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ये चीज़ें इजी हो जाएंगी। ब्रिज ऑफ 260 मीटर लॉन्ग इन 8 सेकेंड एंड 10 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, स्टार्ट करते हैं आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन में दोनों कंडीशंस दी गई हैं, एक मैन को क्रॉस कर रही है ट्रेन और ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो अगर हम मैन की बात करें तो मैन के केस में टाइम कितना दिया गया है, 8 सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाती है, लेंथ ऑफ ट्रेन के इक्वल हो जाती है, कंसेप्ट मैंने बताया। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, एल टी इज इक्वल टू एस इंटू एट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। और मैं अगर ब्रिज की बात करूं, अगर मैं ब्रिज की बात करूं तो ब्रिज के केस में टाइम कितना दिया गया है, 10 सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ब्रिज के केस में डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, ये भी मैंने बताया आपको। देखो यहाँ प्रीवियस वीडियो में, ये देखो टोटल लेंथ 400 हो गई थी यहाँ पे, ये देखो। ओके, तो फाइन, तो यहाँ पे टाइम कितना दिया गया, 10 सेकेंड। ठीक है, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, एस इंटू 10 इज इक्वल टू एल टी प्लस एल बी, एल बी ये एल बी है सॉरी। तो यहां पे मैं नोट करूंगा 10s इज इक्वल टू एल टी कितना है, 8s, ये मैंने वैल्यू यहां पुट कर दी, प्लस एल बी, एल बी इज 260, तो ये कितना आ जाएगा, 2s इज इक्वल टू 260, ये 260 आ गया। तो एस इज इक्वल टू कितना आ गया, 130 मीटर पर सेकेंड। इजी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू एवरीवन।